नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको परिणीति के हर दिलचस्प मोड़ से अवगत कराते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक एपिसोड के बारे में, जिसमें हमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कहानी में अब एक बड़ा मोड़ आ रहा है। नीति, जो पहले से ही परी की जान की दुश्मन रही है, अब एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। हाल ही में हमें दिखाया गया कि परी ने नीति को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई है। क्या आप जानते हैं ये सब कुछ बहुत ही चतुराई से हो रहा है? जी हाँ, इस एपिसोड में हम देखेंगे कि नीति का असली चेहरा भी सभी के सामने आ जाएगा। वो अपनी गलतियों को कबूल कर लेगी। जी हाँ, इस बार नीति खुद स्वीकार करेगी कि उसने परी की जान ली थी। जैसे ही ऐसा सबके सामने आएगा, नीति को जेल में डाल दिया जाएगा। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि उसके इस गुनाह का क्या परिणाम होगा। बात करते हैं परी और संजू की। नीति की गिरफ्तारी के बाद परी और संजू का प्यार और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आप देखेंगे कि कैसे परी अपने प्यार का इजहार करेगी। ये पल बहुत ही भावुक होगा, क्योंकि आखिरकार परी को अपने सच्चे साथी संजू का साथ मिल गया है। फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। नीति के जेल में जाने के बाद वो अपने नई दोस्त पार्वती से मिलने का प्रयास करती है। पार्वती यानी परी चाहती है कि नीति उसकी मदद करे, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें ये समझ में आता है कि नीति अपनी चालों में फंस चुकी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि नीति के परिवार के सदस्य, खासतौर पर संजू की माँ, अब नीति की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इससे नीति को गुस्सा आता है और वो सोचती है कि उसे अपने परिवार का साथ नहीं मिल रहा। इस एपिसोड का अंत एक जबरदस्त सस्पेंस के साथ होता है। क्या नीति सच में जेल जाएगी? क्या परी और संजू का प्यार जीत जाएगा, या नीति अपने चालाकियों से फिर से पलटवार करेगी? ये सब जानने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी आज के एपिसोड की। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि नीति को जेल में डालना सही होगा या उसके पास कोई और रास्ता है।